किस्मत का हाल लेकर आ गए हैं किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। और किस्मत कनेक्शन में आज हमारे साथ डॉक्टर सीमा मेडा, लाइफ डिजाइनर्स हैं जो आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाले। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, हमारी तमाम ऑडियंस के लिए भी बहुत ही खास है, क्योंकि आज डॉक्टर सीमा अपना 100वां एपिसोड हमारे साथ कर रहे हैं किस्मत कनेक्शन का। आप सभी ने बहुत सा प्यार दिया। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। जी शुक्रिया। और ये मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं किस्मत कनेक्शन के बदौलत हरियाणा न्यूज की ओर से हरियाणा न्यूज को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसके चलते मैं आप लोगों से मिल पाती हूँ। एंड तहे दिल से आप लोगों का और हरियाणा न्यूज का बहुत शुक्रिया करती हूँ, और इसी तरह से हम आगे भी मिलते रहेंगे। आज हमारा सेलिब्रेशन डे है, बिकॉज 100 एपिसोड है। बिल्कुल, तो आज सेलिब्रेशन डे है और आज डॉक्टर सीमा 100 एपिसोड हम कर रहे हैं इनके साथ, और आपने बहुत से सवाल इनसे पूछे होंगे, बहुत सी गाइडेंस आपको डॉक्टर सीमा ने आपकी जिंदगी के लिए दी होंगी, और मुझे पूरा यकीन है उसके बाद बहुत बदलाव भी आपकी जिंदगी में आए होंगे, अच्छे बदलाव। तो आप हमें जल्दी से फोन करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और जो भी पूछना चाहते हैं आज पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का दिन डॉक्टर सीमा हमारे लिए तो बहुत स्पेशल है, और जिन लोगों का बर्थडे है या फिर तमाम दूसरे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, जिनका बर्थडे है उनके लिए, और आज हमारे प्रदेशवासियों का दिल कैसा रहने वाला है ये भी देख लेती हूँ। भाई, पोजीशन तो आपकी बरकरार रहने वाली है, मेरे कार्ड्स कहते हैं, लेकिन जिनका जन्मदिन है उनको आज डिसीजन मेकिंग पावर बना के चलनी है। न्याय आपको जरूर मिलेगा अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए। डिसीजन को फर्म रखें, पॉजिटिव सोचें, आज का दिन और आपका जन्मदिन बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए, तो आज का दिन बहुत अच्छा है, और ये भी कहता है कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको वही स्ट्रांग करनी है। हमारे साथ जगजीवन इस वक्त सिरसा से है फोन लाइन पे, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर। जी मैडम जी, मैं जॉब लगता हूँ तो एक साल से ऊपर निकालता वहाँ पे। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताए जगजीवन जी। 22/10/1978। 22/10/1978, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिखता है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा हैं। सम टाइम जब आप कहीं एक जगह काम करते हैं और आपको अपने टाइप का माहौल नहीं मिलता, तो आपको लगता है कि आप चले जाएं। यहाँ पे आ रहा है टिक के काम करने का नंबर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए मैं ये कहूंगी सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने हाथ में घड़ी जरूर पहने, लेफ्ट हैंड में, थोड़ा उससे पॉजिटिव होगा। और जहां तक बात आती है, अगर ऐसा आपके नंबर देखने को नंबर्स में आ रहा है कि अगर आप अपना काम करते हैं, वैसे बहुत सिस्टमेटिक है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, सब कुछ अच्छा है, कभी ये भी सोच लें कि आप जॉब के स्थान पर अपना काम चालू कर लें, तो फिर स्टेबिलिटी जो है वो परमानेंट में बदल जाएगा, क्योंकि अपना काम होता है तो अपन रुक के करते हैं। आपका आगे ठीक हो जाएगा, जैसे हमने बोला लेफ्ट हैंड में मेटल की घड़ी पहन ले, उससे फायदा होगा कुछ। यहाँ पे देख लेते हैं स्टेबिलिटी आने वाली है कि नहीं। अभी इस कार्ड के बदौलत सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जब तक आपको अपनी इंटरेस्ट का, अपने पसंद का काम नहीं मिलेगा तब तक आपकी रुकावटें जो है ऐसे ही वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते रहेंगे। यहाँ पे कार्ड ये कह रहे हैं बिल्कुल, स्टेबिलिटी जिंदगी में तभी आती है शायद जब हमें लगता है कुछ जिम्मेदारी से हम चीज करते हैं, और वो शायद अपने काम में ज्यादा बेहतर तरीके से हम कर पाते हैं। हमारे साथ संजीव है अगले दर्शक पंचकुला से। संजीव जी, आपका सवाल क्या है? मैडम, मैं अपने आगे की लाइफ के बारे में जानकारी लेना। संजीव जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1 अप्रैल 1974। पहली बात ये बताना चाहेंगे कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो लाइफ में आपको फर्म रहना होगा, डिसीजन मेकिंग पावर रखनी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को टिक के काम करना होगा। यहाँ पे भी आपके नंबर्स में आ रहा है। वैसे आप जानना चाहते हैं अभी आपकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है, आपके कैलकुलेशन ये कहती है, आपका समय परिवर्तन का चल रहा है, आपने जानना चाहा है आपकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी, तो यहाँ पे मेरे कार्ड्स कहते हैं कि गुड न्यूज मिलने वाली है। उस गुड न्यूज के चलते आपको जल्दी से जल्दी उस ऑफर को जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, तो अपनी लाइफ को आपको बेहतर बनाना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उन सबको ग्राब आपको खुद करना पड़ेगा। हमारे साथ करनाल से गीतू है अगली दर्शक। गीतू, आपका सवाल क्या है? मैम, मेरा भाई याद करता है, वो फिर भूल जाता है। जी हाँ जी, तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है गीतू, और उनका नाम क्या है?
5 जून 2003। 5 जून 2003। पहली बात, यहाँ पे आपके भाई के जो नंबर्स हैं, इंटेलिजेंट है और बैलेंस भी है उनकी लाइफ में, काफी इमोशनल भी है, रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट भी है उनके पास, क्योंकि वो जो आप बोलते हैं वो करता है। लेकिन आपने बोला कि वो जो याद करता है वो भूल जाता है, तो ये बात सही है। यहाँ पे इनके नंबर में भी ये चीज दिखाई देती है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी सस्टेनेबिलिटी और जो याद करेंगे वो ज्यादा अच्छी होगी। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि उनको एक 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, चाहे वो गले में धारण करें या अपने पास रखें, बेस्ट तरीका ये गले में पहन ले और पीले या लाल धागे में पहने, उससे उनकी मेमोरी ज्यादा अच्छी होगी। और दूसरी बात, ये जो कार्ड में देख लेती हूँ कि इनका आगे का जो याद रखने का आपने कहा रहेगा और कैसे चलेगा, बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप जिस तरह से उनको याद करवाते हैं, और स्पेशली छोटे बच्चे को लिख लिख के याद कराने की आदत डालें, तो वो बच्चा कभी नहीं भूलता। और दूसरी बात ये कि कार्ड दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो फिक्र ना करें, आगे ठीक हो जाएगा सब चले, तो आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल भी कुछ। आगे अच्छा हो जाएगा, वो जो भी पढ़ेंगे वो याद भी हो जाएगा और उस पे वो आगे अमल भी कर पाएंगे बेहतर तरीके से। हमारे साथ रेवाड़ी से राजेश हैं फिलहाल फोन लाइन पे। राजेश क्या पूछना चाहते हैं? चले, राजेश से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सुनीता है इस वक्त फोन लाइन पे। सुनीता बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सुनीता। सुनीता, हाँ जी मैम, बेटे के लिए पूछना है मेरे को। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 29/11/1992। जी, हाँ जी शादी के बारे में पूछना मैम, चाहते हैं। नहीं मैम, उसकी जॉब के लिए और उसकी रिजल्ट आना है, उसको उसके लिए पूछना है कैसा रहेगा। ओके, उसकी जॉब और उसका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आया है, जॉब के लिए भी कार्ड पॉजिटिव आया है, उसके रिजल्ट में भी उसको उसके फेवर में आ रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप कोई फिक्र ना करें, किसी ना किसी सपोर्ट से वो आगे बढ़ जाएंगी और जॉब भी उनको निश्चित रूप से मिल जाएगी। और बहुत इंटेलिजेंट है, आपका नाम रोशन करने वाली है, तो कोई फिक्र ना करें, पॉजिटिव कार्ड आए हैं, तो हम आपकी बेटी को आगे शुभकामनाएं देते हैं। चले, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके बच्चे के लिए सुनीता जी, और उनकी जिंदगी में वो जो तमाम चीजें देख रहे हैं, चाहे बात नौकरी की हो या फिर दूसरे जो भी चीजें देख रहे हैं, जो भी सपने उनके हैं वो जरूर पूरे हो जाएंगे। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आपके लिए आए। लेकिन डॉक्टर सीमा, ये आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। जी जब शुरुआत हमने की थी तो ये सोचा था आपने कि इतनी जल्दी ये सफर बीत जाएगा? बिल्कुल पता ही नहीं चला। मुझे लगता है कि जैसे अभी हम सोच रहे, जो जो चीज में इंटरेस्ट हो, हाँ जो चीज में पैशन हो, जैसे आप भी रोज उसी एनर्जी से काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी ऐसे ही कुछ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और अगर आप इंटरेस्ट से काम करते हैं तो काम में मोनोटोनस नहीं होता है, आप रोज बिल्कुल, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोज कुछ नई एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है समय का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल समय का पता ही नहीं चलता। इमेजिन कीजिए आप भी, हम आज अपना 100वां एपिसोड कर रहे हैं किस्मत कनेक्शन का डॉक्टर सीमा के साथ, और ये बहुत खास है हमारे लिए। अम्बाला से राजविंदर हमारे साथ हैं। राजविंदर जी क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, जी हेलो। हाँ जी मैम, मेरे ब्रदर के बारे में है, उसकी तो बर्थ है 10/10/1992। 1992, ओके। तो क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरे ब्रदर के लिए अच्छी लड़की है, दोनों जुड़वा हैं, दोनों की एक ही डेट ऑफ बर्थ है, उनको उनके लिए अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही, कब तक मिल जाएंगी और शादी कब तक हो जाएगी? बिल्कुल, दोनों जुड़वा हैं और दोनों के लिए अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, तो जरूर मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ सेम है, लेकिन मैं ये बता दूं, लेकिन जुड़वा होते हुए भी वो दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग सोच रखते होंगे, क्योंकि उनके नाम भी उनको प्रभावित करते बिल्कुल, हैं। चाहे डेट ऑफ बर्थ सेम हो, नाम अलग हो, और आप अपने रहन सहन के तरीके अलग बना लेते हैं, तो आप अलग अलग पर्सनैलिटीज हो जाते हैं। चाहे सेम डेट सेम वक्त में पैदा हुए बच्चे भी अलग अलग होते हैं, बिकॉज उनकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। लेकिन आपका सवाल यह है कि दोनों को अच्छी लड़कियां मिलेंगी, तो डेफिनेटली मिलेंगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। और दूसरी बात ये कि शादी कब तक होगी, अभी प्रेजेंट पीरियड जो है अभी इंतजार करना होगा। बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों के कार्ड्स, दोनों को अच्छी लड़कियां मिलेंगी, और दोनों की शादी के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, टाइम लगने वाला है।
लेकिन ये बात पक्की है कि दोनों बहुत खुश रहने वाले हैं। चले तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी लड़की मिलेगी, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, दोनों की ट्यूनिंग बहुत सही रहेगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, रिश्ता आगे बहुत अच्छा चलेगा, तो थोड़ा और सा इंतजार कीजिए। दोनों के नंबर में इतना अच्छा आ रहा है, दोनों ही बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, तो अच्छा सोचने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ में अच्छे ही लोग आते हैं हमेशा। तो आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अच्छा इंसान होना ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, और ये दोनों ही अच्छे इंसान है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ यमुनानगर से इस वक्त हरि किशन है फोन लाइन पे, क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने मेरे इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, पर मेरा कुछ काम नहीं चल रहा है, थोड़े दिन चलता है फिर बंद हो जाता है। जी हरि किशन जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए। 9 जनवरी 1982। 9 जनवरी 1982। हाँ जी, पहली बात कर्जा चल रहा है जी। आप क्या बोल रहे हैं? बैलेंस मेरा डाउन पे डाउन होता जा रहा है। बिल्कुल, बैलेंस डाउन पे डाउन होता जा रहा है, लेकिन ये डाउन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वापस अप होने वाला है। यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, अभी जुलाई के बाद से आपका टाइम बहुत अप होने वाला है। सो डिसहार्टन नहीं होए, आप ये देखें कि जो चीज अपन सोचते लगते हैं वो होने लगती है। तो अभी आपको क्रिएटिविटी, कुछ चेंज, या यू कहें कि आपकी दुकान में कुछ, अगर थोड़ा सा स्थान परिवर्तन, सेटिंग भी चेंज कर देते हैं, प्रेजेंटेशन बदल लेते हैं, या कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप रख सकते हैं। आपका काम अभी कैसे चल रहा है और आगे कैसे होने वाला है ये मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे कार्ड्स बोलेंगे यहाँ पे आ रहा है कि बहुत पोटेंशियल है और बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आप दिल को छोटा ना करें, यहाँ पे आ रहा है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करें, आपके पास काम ही काम और पैसा ही पैसे होने वाला है, मेरे कार्ड्स ये बोलते हैं आपके लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी नैया अच्छी तरह से तरफ जा रही है और पार होने वाली है। पॉजिटिव सोचे, बदलाव लाएं छोटे मोटे अपने अंदर भी, और एक शेड्यूल फॉर्म करें कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये, नहीं कहना हर रोज कि मेरा काम डाउन हो रहा है या मेरे पास बैलेंस खत्म हो रहा है। आप ये बोलें कि आज ये गया है, यू नो प्रतिमा, हम किसी को पैसे देते हैं ना तो ये बोलते हैं, ये लक्ष्मी भैया ये जाएं और सबके अच्छे कामों में लगे और 8 गुना लौट कर हमारे पास वापस आए। अगर आप इस सोच से पैसे भी देते हैं किसी को, और जिसको देने हैं फटाफट दे दें ताकि वापस आए आपके पास। चलो, तो वो पैसे आप भले ही किसी और को दे रहे हैं, लेकिन आपके आपके पास वो पैसे वापस भी आ जाएंगे। आपको थोड़े थोड़े बदलाव भी करने होंगे, जो कि कहते हैं कि जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। कुछ अच्छे बदलाव करने से जिंदगी में भी बहुत से बदलाव आते हैं, और आपकी जिंदगी में भी वो बदलाव जरूर आने वाले हैं। इंतजार बस कीजिए और पॉजिटिव रहिए, जो कि डॉक्टर सीमा हमेशा हर दर्शक को कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी से बहुत कुछ बदल सकता है, आपकी किस्मत भी बदल सकती है, क्योंकि आपके खुद ही के हाथ में वो तमाम। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे किस्मत कनेक्शन में, लेकिन ब्रेक के उस पार सुनाएंगे आपको आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ। पिछली बार जो नरमे थे, चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया, उसका करके नुकसान सी, जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की और लाके उसका अच्छा रिजल्ट मिले हमारे को, बहुत बढ़िया रहे। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। ये मेरी जमीन थोड़ी खराब सी, सारिया खादा मैं पा के देखता रहा, पर रिजल्ट नहीं चंगे आए। मैंने किसी ने दसा भाई सरताज जिप्सम पाओ, शायद रिजल्ट बहुत वधिया आउण। मैं वो ट्राई की थी, ये मेरा जो गन्ना है 15-15 फुट तो भी उपर चले गया। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। नकली माल तो बच के असली फर्टिस की पहचान री पत्ती का निशान जरूर देख ली। सिर्फ कोसावेट फर्टिस ही 90% असली सल्फर खाद है। और ब्रेक के बाद किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जल्दी से आप जुड़ सकते हैं किस्मत कनेक्शन में, फोन लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं। आज की कहानी के लिए हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले कुछ दर्शकों से हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर सीमा, आज की कहानी में क्या है खास? हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखे, यही खास है आज की कहानी में। क्योंकि हम हर बार देखते हैं लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अब जिंदगी खत्म हो गई, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये बताना चाहते हैं कि आपको कैसे फाइट करना है, फाइट बैक करना है। अपने आप को हर परिस्थिति के लिए कैसे तैयार करें, वही राज छुपा है इस कहानी में। चले तो यही राज अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, क्योंकि जिंदगी है उतार चढ़ाव इसमें आएंगे ही आएंगे, और आपको कैसे उससे लड़ना है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ये कहानी आपको सुनाएंगे अब से कुछ ही देर बाद। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक है फोन लाइन पे, आपको आवाज मिल रही है? सुन पा रहे हैं आप? चले शायद उन तक आवाज पहुंचने। जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? बच्चे के बारे में पता करना था। जी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 6 जुलाई 2000। 6 जुलाई 2000, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है बच्चे आगे क्या करेगा, उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, सर्विस मिलेगी? पहली बात, आपका बच्चा जो है वो बहुत ही एक्टिव है, और उसको एक्टिव होने की बिजी रखने के लिए उसको आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल सकते हैं। आगे बहुत अच्छा है, उनका बर्थडे भी आने वाला है। हम आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे कहते हैं हमारी तरफ से, हरियाणा न्यूज़ की तरफ से। लेकिन यहाँ पे कार्ड भी उठाना चाहूंगी
कार्ड भी बहुत अच्छा है, आपका बच्चा आगे बहुत अच्छा करने वाला है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साथ में उनको बिजी करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी में डालें जिससे कि वो अपनी एनर्जीज को आसानी से बैलेंस कर पाए। बिल्कुल, आपका बच्चा आगे बहुत अच्छा करने वाला है। लेकिन आज की कहानी क्या कुछ कहती है, इंतजार खत्म करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। अब डॉक्टर सीमा, आज की कहानी क्या जी है? ऐसे ही एक किसान थे, वो बहुत ही मेहनत, आजकल आप किसानों के ऊपर बहुत चर्चा सुनते होंगे, बहुत मेहनत करते थे। उनका जो खेत था वो ऐसी जगह था जब बहुत ही आंधी तूफान चक्रवात और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, और हर साल उनकी फसल खराब होती थी। तो उन्होंने पेपर में एक इश्तिहार दिया कि उनको एक मजदूर की जरूरत है जो उनका हाथ बटा सके और मुसीबत में या हवा में या प्रॉब्लम्स के टाइम, तूफान के टाइम वो उनको सपोर्ट कर सके। पहली बात, उसको जहाँ पे वो उनका खेत था वहाँ पे कोई नौकरी करने के लिए तैयार ही नहीं होता था क्योंकि वो जगह मौसम के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव नहीं थी। मतलब कि जल्दी से नुकसान हो जाता था ज़्यादातर खेत में भी, इवन जानवरों का भी, बहुत जानवर मरते थे, तेज हवाएं चलती थी, तूफान आते थे। तो जब उन्होंने इश्तिहार दिया तो पहले तो कोई आता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से एक मजदूर उनको मिला और आकर उन्होंने जैसे इंटरव्यू दिया कि तुम काम कर लोगे, उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे। पर उन्होंने जो इंटरव्यू देने के लिए आए उन्होंने बोला जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। तो पहले तो किसान को बहुत ही अजीब लगा कि जब हवा चलती है तो ये सोते हैं तो फिर काम कैसे होगा, लेकिन फिर भी बड़ा अजीब उत्तर था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा कि चलो कोई तो काम करने को तैयार हुआ, तो उन्होंने उनको नौकरी पे रख लिया। एक हफ्ता बीता, महीना बीता, दो महीने बीते, वो बहुत मजदूर जो था वो बहुत ही मेहनत से काम करता था और खेत लहलाने लगे, फसल अच्छी होने लगी, मुर्गियां भी अच्छी संख्या बढ़ने लगी, सब कुछ अच्छा हो गया। अचानक से हवा बहुत तेज चलने लगी, एक दिन की बात थी। तो मजदूर किसान को ये फिक्र हुई कि मजदूर के पास गया भागा भागा कि मुझे तूफान आने के संकेत नजर आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कुछ नुकसान हो जाए। तो उस मजदूर ने ये उत्तर दिया जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। तो वो वहां पे सोता रह गया और किसान डर के मारे जो है वो खेतों में गया। जब उसने खेतों में जाके देखा कि सारे खेत तिरपाल से ढके हुए हैं, सब रस्सियां अच्छे से कसी हुई हैं, सब बाड़े अच्छे से बंद हैं, यानी कि एकदम उसको मजदूर का उत्तर ठनका कि वो कहता है जब हवा चलती है मैं सोता हूँ, जब सब चीजें सही सलामत देखी तो वो बहुत ही खुश हुआ। मित्रों, मुझे ये कहानी से शिक्षा मिलती है जैसे विद्यार्थी एग्जाम आने के पहले नहीं पढ़ते, बाद में चिंतित होते हैं। बिल्कुल, आपके पास पैसे की कमी तब होती है जब आप पहले बचत नहीं करते हैं। ऐसे ही जब आप तैयार नहीं होते उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, अपने आप को पहले तैयार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो आज इतनी बेहतरीन कहानी डॉक्टर सीमा ने हमें सुनाई है और ये बताया है कि कैसे हमें पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है उन चीजों के लिए जो हमें जिंदगी में बहुत फायदा दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा आपका स्टूडियो में आने के लिए आज और इतनी बेहतरीन कहानी का। और इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।